हे व्हाट्सएप गाइज, वेलकम टू सुपर यूज़र। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी लॉन्चर के बारे में। आने वाले कई टॉपिक्स में मैंने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है, तो ख्याल आया कि एक वीडियो इस पर भी बना ही देना चाहिए। कई सारे प्लस पॉइंट्स हैं इस ऐप के, जो कि आगे मैंने डिस्कस किया है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। क्योंकि ये एक ओपन सोर्स ऐप है, तो इसको आप एंड्रॉइड से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ तो आपको इसका एक अपडेटेड वर्जन मिलेगा। बट अभी के लिए हम इसे प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर रहे हैं, तो लॉन्च करते हैं। एक्टिविटी लॉन्चर लॉन्च होते ही सारे ऐप्स को पहले लोड करता है। इस फोन में इस वक्त क्लोज टू अराउंड 400 एप्लीकेशंस हैं। ये आ गया हमारा सारा यूज़र ऐप से लेके सिस्टम ऐप्स तक। एक्टिविटी लॉन्चर की सबसे खास बात यह है कि हमारे फ़ोन में इंस्टॉल ये सारे ऐप्स को दिखा देता है। हमारे फ़ोन के सेटिंग में जो ऐप सेक्शन है, वहाँ हमें बहुत ही लिमिटेड ऐप्स को दिखाया जाता है। बट ये वो जगह है जहाँ से हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल सारे एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, और सिर्फ देख ही नहीं सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये एक ऐप है फाइल्स नाम का। नॉर्मल यूज़र को तो ये पता ही नहीं होता है कि उनके एंड्रॉयड फ़ोन में एक और फाइल मैनेजर भी इंस्टॉल्ड है, जो कि गूगल का ऑफिशियल फाइल मैनेजर रहता है। बट जब ये एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को हमारे मोबाइल कंपनी वाले मॉडिफाई करते हैं, तो उस वक्त इसे छुपा देते हैं। बट एक्टिविटी लॉन्चर की हेल्प से हम इस फाइल मैनेजर को भी एक्सेस कर सकते हैं। इस पर हिट करते हैं। इसके पहले एक्टिविटी लॉन्चर एक्टिविटी पर हिट करते हैं। ये एंटर हो गए हम गूगल के अपने फाइल मैनेजर में। अगर आपने कोई स्टॉक एंड्रॉयड वाला फ़ोन चलाया होगा, जैसे कि गूगल का अपना पिक्सल या मोटो का कोई फ़ोन, तो उसमें बस यही ऐप फाइल मैनेजर के तौर पर दिखेगा, क्योंकि वो स्टॉक एंड्रॉयड पर बेस्ड रहता है। सो ये तो हुआ कि हम इस फाइल मैनेजर में एंटर कैसे करेंगे। बट मुझे ये फाइल मैनेजर काफ़ी बढ़िया लगता है, इसलिए मैंने इसके एक्टिविटी का शॉर्टकट बना लिया है, जो कि एक्टिविटी लॉन्चर का एक और बढ़िया फीचर है। अब हमें अगर इस फाइल मैनेजर को एक्सेस करना होगा, तो दोबारा से एक्टिविटी लॉन्चर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस शॉर्टकट पर हिट करके हम इस एप्लीकेशन में एंटर कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। कई बार तो ऐप डेवलपर हमसे छुपा के उसका एक्सेस विंडो भी नहीं देते हैं। बट अगर उसका एक्टिविटी बना हुआ है, तो उसको हम इधर से एक्सेस कर सकते हैं। एक्टिविटी लॉन्चर की हेल्प से आप उन एप्लीकेशंस को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिनको कंपनी ने हमारे फ़ोन में इंस्टॉल तो कर रखा है, बट एप्लीकेशन का आइकन नहीं दिया है। जस्ट लाइक ये डाटा ट्रांसफर टूल। बेसिकली ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में रीसेट के बाद फर्स्ट सेटअप में एक्टिवेट होता है। उसके बाद आप लाख कोशिश कर लीजिए, बट ये दोबारा एक्टिवेट होगा ही नहीं। बट एक्टिविटी लॉन्चर की हेल्प से हम इस जैसे एप्लीकेशंस को भी लॉन्च कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट या सजेशन है, तो कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देना कि एक्टिविटी लॉन्चर को आप इंस्टॉल करने वाले हैं या नहीं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वर्जन्स का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।